टुडे थर्ड बाय नो ज्योमेट्रिक सीरीज बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज। एक्चुअली बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी साथ में चल रही है, मीन्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी चल रही है। पहले 1 + x^n, इसका अगर हम एक्सपेंशन देखें 1 + x^n, तो इसका एक्सपेंशन जो होता है क्या होता है, (n(c0) + (n(c1x) + (n(c2x)² + (n(c3x)³ अब तो कहां तक, (n(cn)x^n। ये एक्सपेंशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, (n(c0) (n(c1) (n(c2) (n(c3) अब तो (n(cn)। ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, इनके साथ देखो इनटू में 1 x, x² x³ अब तो (x^n), एक जीपी साथ में चल रही है। तो ये जो है एक बाइनोजोमेट्रिक सीरीज हो गई। तो इसको शॉर्ट में, ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को हम शॉर्ट में समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रॉम (r = 0) टू (r = n), (n(cr) (x^r). तो 1 + x^n का जो एक्सपेंशन होगा, इन शॉर्ट वी राइट इट लाइक दिस। देखो 1 + x^n इज इक्वल टू (r = 0) to (n)(ncr)(x^r). r 0 रखो, यू विल गेट द फर्स्ट टर्म, क्या होगा, (n(c0)(x^0)। r की जगह 0 रखा ना, क्या क्या, फिर r की जगह 1 रखो, (n(c1)(x^1) एंड सो ऑन। इसका जो एप्लीकेशन है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट (n(c0) + (n(c1)² + (n(c2)² and so on up to (n(cn)² to the power n। ये जो है इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ एक जीपी भी चल रही है, तो हमेशा ये माइंड में आना चाहिए 1 + x^n का एक्सपेंशन। तो अगर हम डायरेक्टली यहां पे देखें, तो अगर मैं इस में एक्स की जगह 2 रख दूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट पुट (x = 2) इन, ये इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखो x की जगह 2 रख दो, RHS तो हमारा ये आ जाएगा, तो LHS क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रख दें, 2 रख दें, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 रेस्ट टू द पावर n, 1 + 2, और इसको ऐसे लिख लो, पहले डायरेक्टली नहीं लिखते हुए, 1 + 2 रेस्ट टू द पावर n, तो क्या आ जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर n। या फिर देखो यहां पे इसको हम चाहें तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते थे, इसी एग्जांपल को मैं रीराइट (r = 0 to n)(ncr)² to the power r। तो इफ यू कंपेयर विद दिस, तो x की जगह क्या रखें हम, 2 रख दें, x की जगह क्या रखते हैं हम, 2 रख दें, तो देखो x की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो ये x है, यहां से हमें पता चलेगा कि x की जगह क्या रखना है, वो सीरीज (r = 0) से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3 रेस्ट टू द पावर n। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अब डायरेक्टली लिख रहा हूं (r = 0 to n)(ncr - 1)² r, मींस x की जगह हमें क्या रखना है, ये देखो
माइनस वन, अगर मैं माइनस वन रखता हूं यहाँ पे, वन माइनस वन जीरो, जीरो रेस टू द पावर एन, वन माइनस वन रेस टू द पावर सॉरी एन, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर माइनस टू रेस टू द पावर आर, मीन्स एक्स की जगह क्या रखना है हमें, माइनस टू, वन माइनस टू रेस टू द पावर एन, दैट इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन। ठीक है, नाउ फाइंड दिस वैल्यू, अब ये वैल्यू फाइंड करो, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर फाइव रेस टू द पावर आर, ये फाइंड करो। क्या आएगा ये, एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको, फाइव, वन प्लस फाइव दैट इज व्हाट, सिक्स रेस टू द पावर एन। फिफ्थ, सपोज आर इज इक्वल टू वन टू एन एन सी आर थ्री रेस टू द पावर आर, ये हमें फाइंड करना है। अब सीरीज देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, आर इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन सीरीज कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ये जो है जीरो से स्टार्ट होता है ना, एन सी जीरो से, अब आर वन से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स एक टर्म मिसिंग है, कौन सी वाली, जीरो वाली, आर इज इक्वल टू जीरो वाले टर्म मिसिंग है। तो इसको देखो, अगर मुझे इसको जीरो से स्टार्ट करना है, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर थ्री रेस टू द पावर आर माइनस, इसमें मैंने क्या जीरो वाली टर्म ऐड कर दी, इसको जीरो से स्टार्ट कर दिया, तो जीरो वाली टर्म क्या करता था, माइनस भी कर देता हूँ, जीरो वाली टर्म माइनस करूंगा तो क्या आएगा, आर की जगह जीरो रख दो, एन सी जीरो थ्री रेस टू द पावर जीरो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता है एक्स की जगह क्या रखना है, थ्री, वन प्लस थ्री रेस टू द पावर एन माइनस एन सी जीरो वन थ्री की पावर जीरो वन वन, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर रेस टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो यहां पे देख लेना कि सीरीज जो है कहां से स्टार्ट हो रही है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सिक्स्थ एग्जांपल, समेशन सपोज आर इज इक्वल टू, अब मैं टू से स्टार्ट कर रहा हूं, टू टू एन एन सी आर, यहां पर लिख देते हैं माइनस थ्री रेस टू द पावर आर, जस्ट राइट, अब देखो सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है वो देखो, आर इज इक्वल टू टू, यहां मीन्स एन सी टू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दो टर्म मिसिंग है, कौन कौन सी, एक तो एन सी जीरो वाली और एक एन सी वन वाली, तो ये जो है इसको मैं लिख देता हूं समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर माइनस थ्री की पावर आर माइनस, इसमें मैंने दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दी ना, एक तो जीरो वाली और एक वन वाली, यहाँ तो टू से स्टार्ट था, तो दो टर्म जो है वो माइनस भी कर देता हूँ, ये कौन सी, जीरो वाली, जीरो वाली कौन सी टर्म होगी, एन सी जीरो माइनस थ्री की पावर सॉरी आर की जगह जीरो रखना है, प्लस एक और टर्म कौन से माइनस करना है, एन सी वन माइनस थ्री की पावर वन, ये दो टर्म मैंने माइनस कर दी क्योंकि दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड की थी ना हमने, तो ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस थ्री रखना है, तो वन माइनस थ्री रेस टू द पावर एन माइनस एन सी जीरो दैट इज वन माइनस थ्री की पावर जीरो ऑल्सो वन माइनस एन सी वन दैट इज एन और ये माइनस थ्री,
डी हो जाएगा माइनस टू की पावर एन प्लस थ्री एन माइनस वन, ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं सेवन। अब सपोज सीरीज जो है आर इज इक्वल टू वन से लेकर टू एन तक है, अगर टू एन तक है तो ऑब्वियसली ये टू एन सी आर थ्री रेस टू द पावर आर। ठीक है, तो ये जो होगा सीरीज तो हमें कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, मींस एक टर्म इसमें मिसिंग है, कौन सी, आर इज इक्वल टू जीरो वाले। तो इसको मैं लिख सकता हूं समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू टू एन सी आर थ्री रेस टू द पावर आर माइनस, कौन से वाले टर्म मैंने ऐड करी, जीरो वाली, क्योंकि उसके बाद आर इज इक्वल टू वन रखूंगा तो वो तो ये सीरीज आ जाएगी ना, तो जीरो वाले टर्म इसमें ऐड किए तो जीरो वाले टर्म सेपरेट भी कर दो, जीरो वाले टर्म क्या आएगा टू एन सी जीरो थ्री की पावर जीरो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो आप एक्स की जगह क्या रखना है थ्री, तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री रेस्ट टू द पावर, अभी तक एन चल रहा था लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, ये टू एन है, अभी तक सब देखो एन, ये एन था तो पावर एन आई, ये एन था तो पावर एन, एन था तो पावर एन, अब यहाँ पे टू एन है तो पावर क्या आ जाएगी टू एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा फोर रेस्ट टू द पावर टू एन माइनस। ठीक है, तो एग्जाम्पल ट्राई करो, एट फाइंड दिस समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू फाइव एन फाइव रेस टू द पावर आर एन सी आर, मैंने फाइव रेस टू द पावर आर पहले लिख दिया लेकिन प्रोडक्ट में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इधर लिखो या इधर लिखो, जस्ट फाइंड इट आउट। देखो अब आर इज इक्वल टू जीरो टू फाइव एन है, बट इफ यू सी हियर तो ये एक्चुअली क्या, जैसे ही मैं एन सी एन तक जाऊंगा और जैसे ही एन सी एन प्लस वन रखूंगा यहाँ पे तो ये तो जीरो हो जाएगा, मीन्स अल्टीमेटली ये जो है ये किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन के इक्वल ही है, कि जैसे ही मैं n प्लस वन रखूंगा तो n सी n प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू फाइव की पावर n प्लस वन आएगा एंड सो ऑन। एक्सपेंशन लिखूं क्या, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, n सी जीरो फाइव की पावर जीरो, n सी वन फाइव की पावर वन, अब टू क्या आएगा n सी n फाइव की पावर n प्लस एन सी एन प्लस वन फाइव की पावर एन प्लस वन एंड सो ऑन। तो इसके बाद के तो सारी टर्म्स ही जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि एन सी एन प्लस वन क्या होता है याद है ना, एन सी आर इफ आर इज ग्रेटर देन एन देन इट विल बी जीरो, तो जीरो फिर ये एन सी एन प्लस टू वो भी जीरो आ जाएगा, तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वन प्लस एक्स की जगह फाइव रखना है, फाइव रेस टू द पावर व्हाट, ये क्या है एन, तो क्या आ जाएगा सिक्स रेस टू द पावर। हाँ, अगर ये जो ऐसा होता नाइन समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू फाइव एन फाइव एन सी आर फाइव टू द पावर आर, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस फाइव रेस टू द पावर, ये देखो फाइव एन क्या जाएगा सिक्स रेस टू द पावर फाइव। ठीक है, ओके, जस्ट नोट इट डाउन। अब हम आते हैं बाइनो अरिथमेटिक सीरीज। देखो बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज जो थी उसमें क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही थी। ठीक है, उसके लिए भी क्या करते हैं, जो भी सीरीज हमें गिवन है उसकी जनरल टर्म लिख ली थी हमने, और ये जो सब हमने समेशन किया था वो क्या जनरल टर्म का ही समेशन था। तो यहाँ पे भी बाइनो अरिथमेटिक सीरीज जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ एपी चलेगी,
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलेगी, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज आर इनटू एनसीआर इज इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो पहले इसको प्रूव कर लें। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, आर एन सी आर इज इक्वल टू आर इंटू एन सी आर, क्या होगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ये आर है ये आर फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो लिख सकता हूं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो उससे क्या होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो अपना है एलएचएस। ये समझ में आ गया ना कैसे, क्योंकि आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो लिखा आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब आरएचएस देखो, आरएचएस जो है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एन इंटू, इसको क्या लिखूंगा एन माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, क्या हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा एन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, ठीक है, एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो जब भी बाइनो अरिथमेटिक सीरीज होगी विल यूज दिस फॉर्मूला, विल यूज दिस फॉर्मूला। अब वो कैसे, देखो एक एग्जांपल करते हैं, इसके लिए पहले ये नोट कर लो, देन विल डू एन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, सी जीरो प्लस टू टाइम्स, ओके ये एन है यहाँ पे, एन सी वन प्लस थ्री टाइम्स एन सी टू अप टू एन प्लस वन एन सी एन, ये जो है इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, कोई भी सीरीज है उसका सम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट डू वी डू, सबसे पहले हम उसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, वो जनरल टर्म लिखने के बाद हम उसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो वन टू थ्री अप टू एन प्लस वन, ये किसमें एपी में चल रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव ये एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन, ये किसमें चल रहा है, ठीक है, सॉरी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले कि जनरल टर्म लिखे, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, ये होगा आर प्लस वन एन सी आर। देखो मैंने जनरल टर्म कैसे लिखा, मीन्स इसका जो समेशन फॉर्म में है वो कैसे लिखा, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन आर प्लस वन एन सी आर, आर जीरो रखो यू विल गेट द फर्स्ट टर्म, आर वन रखो तो वन प्लस वन टू एन सी वन आ गया, फिर आर थ्री रखो सॉरी आर टू रखो, आर टू रखा टू प्लस वन थ्री एन सी टू आ गया। अब कहां तक जाना है, एन तक जाना है,
आर की जगह एन रखो, एन प्लस वन एन सी एन आ गया। अब समेशन जो है इसको तो हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन आर टाइम एन सी आर प्लस समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री, अब तो कहां तक था, अब तो एन सी एन तक, टू रेस्ट टू द पावर एन है, टू रेस्ट टू द पावर एन। अब ये फाइंड आउट करते हैं, अब यहां पे आर भी वेरिएबल है ना, इस आर को बाहर निकालने के लिए ये देखो, ये तो अपना हो जाएगा टू रेस्ट टू द पावर एन। ये फाइंड आउट करते हैं आर एन सी आर, आर एन सी आर ये फॉर्मूला यूज कर लें तो क्या होगा, समेशन एन तो बाहर ही निकाल लेता हूं क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पे एन आएगा लेकिन इस एन को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि अपना वेरिएबल तो क्या है आर, यहां लिखो या फिर वो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस टू रेस्ट टू द पावर एन ये वैल्यू। अब ये देखो दिस विल बी इक्वल टू एन टाइम आर, अगर मैं जीरो रखता हूं तो ये तो माइनस वन आएगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा, फिर आर क्या रखूंगा वन, अब तो कहां तक जाऊंगा मैं एन माइनस वन तक, तो यहां से ये देखो ये सीरीज अल्टीमेटली जीरो से स्टार्ट हो रही है क्योंकि आर मैंने जीरो रखा तो माइनस वन आ गया, हमें तो इससे मतलब होता है ना ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, माइनस वन है तो ठीक है वो जीरो हो जाएगा, ठीक फिर क्या रखूंगा जीरो, फिर वन टू थ्री अब टू कहां तक जाएगा एन माइनस वन तक, तो ये क्या जाएगा टू रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट टू द पावर एन, तो आंसर क्या होगा एन इंटू टू रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट टू द पावर एन, दिस विल बी द आंसर, लेट नोट इट डाउन। यहां पे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ये समझ में नहीं आया होगा ये वाला टर्म, देखो ये जो एक्चुअली है क्या वो देख लो, अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा एन माइनस वन सी माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी जीरो, क्योंकि आर रखते जाऊंगा ना, फिर एन माइनस वन सी वन एन माइनस वन सी टू अब तो कहां तक एन माइनस वन सी एन माइनस वन, तो अल्टीमेटली सीरीज यहीं से स्टार्ट होगा ना जीरो वन टू थ्री अप टू, ये क्या है एन माइनस वन तक है, तो पावर में क्या गया एन माइनस वन, ये तो जो है ये तो जीरो हो जाएगा एन माइनस वन सी माइनस वन, ये जो है ये तो जीरो होता है ना, नेगेटिव के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये जो सीरीज है अल्टीमेटली स्टार्ट तो यहीं से हो रही है ना, अब क्लियर हो गया ये, ठीक। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सी जीरो प्लस थ्री सी थ्री टाइम्स सी वन प्लस फाइव टाइम्स सी टू एंड सो ऑन, यहाँ पे केवल मैंने सी जीरो लिख दिया है, इट मीन्स ये सी जीरो है तो यहाँ पे सी जीरो मीन्स वो एन सी जीरो है, सी जीरो क्योंकि बार बार एन लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं, कुछ आओ तो एन लगा भी सकते हो, ये जैसे सेवन यहाँ पे होगा सेवन, ये क्या होगा एन सी जीरो, अगर नहीं भी है तो वो अंडरस्टूड है, अब तो कहाँ तक एन सी एन तक, तो दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखो वन थ्री फाइव सेवन अप टू टू एन प्लस वन, ये तो एपी में चल रहा है, सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो बाइनो अरिथमेटिक हो गया, तो कोई भी सीरीज हो हमें इसका जो सम है समेशन फॉर्म में जनरल टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, ये आ जाएगा अपना टू आर प्लस वन, एपी की जनरल टर्म लिख दी ये तो, और ये आ जाएगा एन सी आर, ये जो सम है इसको हमने समेशन फॉर्म में ऐसे लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा टू टाइम समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन
आर एन थ्री आर, है ना, टू आर आएगा ना पहले, तो टू कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर। अब क्या होगा, दिस इज टू टाइम्स, ये जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, आर इंटू एन सी आर है तो क्या बाहर तो एन आ जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस, ये तो तुम्हें पता है क्या होता है, ये क्या होता है, टू रेस टू द पावर है, तो टू एन इंटू, ये भी तुम्हें पता है, आर जीरो रखो माइनस वन से स्टार्ट होगा लेकिन माइनस वन तो जीरो में चला जाएगा, ये हो जाएगा टू रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस टू द पावर एन, तो टू से इसमें मल्टीप्लाई करो तो टू रेस पावर एन आ जाएगा, और टू रेस पावर एन कॉमन भी ले लो, तो टू रेस पावर एन अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा एन प्लस, तो दिस विल बी द आंसर, टू रेस टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन, ये जो है इसका सम आ जाएगा। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, 20C1 माइनस 2 टाइम्स 20C2 प्लस 3 टाइम्स 20C2 माइनस एंड सो ऑन अप टू माइनस 20 इनटू 20C20, इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो इसको क्या करें, जनरल टर्म लिखना है, तो अगर हम जनरल टर्म लिखें तो दिस विल बी समेशन आर इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से कहाँ तक जा रहा है, ये 20 तक, आर 20C r माइनस वन की पावर आर माइनस वन। देखो ये थोड़ा सा सोच के हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वन टू थ्री ये तो एपी में चल रहा है, वन टू थ्री एपी में चल रहा है तो आर आ जाएगा जो भी आर टर्म रहेगी, पूरी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 20C1 फिर माइनस 20C2 आएगा, उसके लिए प्लस माइनस के लिए माइनस वन रेस्ट टू द पावर आर माइनस वन लिख दिया हमने, ये जनरल टर्म तो सोच कर ही लिखना पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अब इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हमने जनरल टर्म तो लिख ली, अब क्या करें, ये जो है इस वाले पार्ट को देखो, आर इंटू 20C r, यहाँ पे एपी के साथ बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी है ना, ये क्या होगा, ठीक है 20 बाहर आ जाता है, इसको ऐसे लिख लो आर इज इक्वल टू 1 to 20, या जाएगा 20, याद है ना फॉर्मूला आर इंटू एन सी आर क्या हो जाता है, एन टाइम्स एन की जगह क्या है 20, एक कम हो जाता है इसमें से 19C r माइनस 1, इसमें से भी एक कम हो जाता है ना, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये माइनस वन रेस टू दी पावर आर माइनस वन तो रहेगा। ठीक है, ये 20 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 20 समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 20 19C r माइनस 1 माइनस आर माइनस वन। तो देखो इफेक्टिवली आर अगर मैं वन रखता हूं तो ये क्या आएगा, जीरो, फिर आर टू रखूंगा तो ये क्या आएगा, वन, फिर अब टू आर कहां तक रखूंगा, 20 तक, तो क्या आ जाएगा 19, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर क्या रखा मैंने, वन, क्या रहा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मींस हमें कोई भी टर्म उसमें प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर ये वन से स्टार्ट होता ये वैल्यू रखने पे तो हमें जीरो वाले टर्म उसमें ऐड भी करना पड़ता और सेपरेट भी करना पड़ता। अब एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस वन, याद है ना बाइनो ज्योमेट्रिक, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20 टाइम वन, एक्स की जगह माइनस वन रखना, रेस्ट टू द पावर व्हाट 19, तो ये तो क्या आ गया जीरो, वन माइनस वन क्या आएगा जीरो। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में अगर सब जगह प्लस होता, मीन व्हाट, अगर मैं इसी का सेकंड पार्ट ले लेता हूँ फोर्थ, अगर यहाँ सब जगह प्लस होता मीन व्हाट 20C1 प्लस 2 टाइम 20C2 अब टू कहाँ तक 20 टाइम्स 20C20, ये और इजी हो जाता, क्या होता, सम
समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 20 आर 20 सी आर माइनस 1 रेस टू द पावर आर माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्यों लगाया था हमने? माइनस के लिए, अल्टरनेट प्लस माइनस था ना। तो ये जो होगा दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 20 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 20 19 सी आर माइनस 1। तो इफेक्टिवली आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो 19 सी 0 प्लस 19 सी 1 प्लस 19 सी 2 अब तो कहाँ तक है? 19 से 19 तक। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 रेस टू द पावर n होता था, n की जगह क्या है? 19। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर सब प्लस है तो ये आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो क्या आ गया? ये जीरो आ गया। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना क्या है? 1 इंटू 2 एन सी 2 प्लस 2 इंटू 3, ये 2.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है, एन सी 3 प्लस 3 इंटू 4 एन सी 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन माइनस 1 इंटू एन एन सी। इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है, उसके लिए व्हाट विल बी डू? जनरल टर्म लिख लेते हैं पहले। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो आर इज इक्वल टू 2, तो ये 1 है तो क्या होगा? आर माइनस 1 इंटू आर ना, आर 2 रखो तो 1 और ये 2 आ गया, आर 3 रखूंगा तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा एन सी आर। कहां तक जाना है हमें? एन तक जाना है तो एन लिख दिया। ये जो है इसको ऐसे लिख दिया हमने, ये जो समेशन है सॉरी सीरीज का सम फाइंड आउट करना है तो ये जो है सम समेशन फॉर्म में लिख दिया हमने। ये आगे समझ में? अगर ये आ गया तब तो हो गया, क्या करें? सबसे पहले ये जो देखो, इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल टू 2 टू एन, ये आर माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एन इन टू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, याद है ना फॉर्मूला? तो देखो ये एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ गया, समेशन आर इज इक्वल टू 2 टू एन आर माइनस 1 एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, एन तो कॉन्स्टेंट था ना, वेरिएबल आर है अपना। फिर ये देखो, ये r माइनस 1 है, ये r माइनस 1 है, सेम हो गया, पहले r था ये r था, तो ये क्या होता है? n आगे आ जाता है और एक कम हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू, n तो पहले बाहर था, समेशन r इज इक्वल टू 2 टू n ये माइनस 1 है ना, ये देखो आर सी आर टाइप से हो गया ना, ये क्या होगा? इनमें से एक एक कम और कम, एन माइनस 2 सी आर माइनस 2, अब एन माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 समेशन आर इज इक्वल टू 2 टू एन एन माइनस 2 सी आर माइनस 2। अब ये सम देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आर टू रखो, कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और जीरो से स्टार्ट होना भी चाहिए, तो जीरो वन टू अब तो कहां तक जाएगा? एन रखूंगा तो एन माइनस टू तक। तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एन इन टू एन माइनस वन, ये जो हो जाएगा टू रेस टू दावर एन माइनस टू, टू रेस टू दावर एन माइनस टू, पावर ये आएगा ना, अगर यहाँ एन होता है तो एन आ जाता है, एन माइनस वन होता है तो वो आ जाता है, टू एन होता है तो जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। ये जो बाइनो अरिथमेटिक सीरीज है इसको हम एक्चुअली डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन से नहीं करना है तो वो जो हमने फॉर्मूला अभी यूज किया है वो अप्लाई कर दो, या फिर क्या करो डिफरेंशिएशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने सम किसका फाइंड आउट किया था पहले, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज सी वन मीन्स वाई एन सी वन प्लस टू टाइम्स एन सी टू प्लस
प्लस थ्री टाइम्स एन सी थ्री अब टू क्या एन टाइम्स एन सी एन एन टाइम्स एन सी एन इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो एक तो हम इसको क्या करते हैं बाइनो अरिथमेटिक सीरीज जो है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, उससे तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे इसको, जनरल टर्म लिख देंगे। या फिर इसको डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होता है एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर अब टू कहां तक एन सी एन एक्स टू द पावर एन ठीक है। अब क्या करें अगर मैं सीरीज को डिफरेंशिएट कर दूं, इस सीरीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन एन इंटू वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन। ये तो कॉन्स्टेंट है वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, फिर कहां से स्टार्ट हो जाएगा एन सी वन टू आ गया आएगा टू टाइम एन सी टू एक्स प्लस आएगा थ्री टाइम्स एन सी थ्री एक्स स्क्वायर अब टू कहां तक एन एन टाइम्स एन सी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ठीक है। अब यहां पे हम एक्स की जगह क्या रख दें कि हमें ये सीरीज मिल जाए, एक्स की जगह क्या रख दें वन रख दें, जस्ट सब्स्टिट्यूट बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू व्हाट वन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा एन इंटू टू रेस टू द पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू एन सी वन प्लस टू टाइम्स एन सी टू प्लस थ्री टाइम्स एन सी थ्री अब टू कहां तक एन टाइम्स एन सी क्या आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। ये जो अपना फिफ्थ एग्जाम्पल था इसको हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। ये तो हमने पहले क्या किया था फॉर्मूला यूज करके इसका सम फाइंड आउट किया था, अब क्या करते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन विल ट्राई टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज। तो देखो यहाँ दो दो टर्म्स प्रोडक्ट में आ रही है, मीन्स और दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि पावर जो होती है इसमें देखो लिखना तो वही पड़ेगा वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब अब टू कहां तक एन सी एन एक्स टू द पावर एन ठीक है। अब देखो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर एक बार आ गया था नंबर, अगर दो टर्म सही है मैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करो पहले एक बार करो क्या आएगा एन इंटू वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा एन सी वन एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एन सी टू तो एज इट इज रहेगा कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टाइम एन सी टू एक्स प्लस थ्री टाइम एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स एन सी सॉरी ये थ्री होगा ना ये क्या जाएगा फोर एक्स क्यूब अब टू कहां तक एन टाइम एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एन माइनस वन इंटू एन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू दैट इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है एक्स का डिफरेंशिएशन वन वन इंटू टू एन सी टू प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स तो टू इंटू थ्री एन सी थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर ये थ्री इंटू फोर एन सी फोर एक्स स्क्वायर अब तो कहां तक एन माइनस वन इंटू एन एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस टू। तो अब यहां एक्स की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हमें ये सीरीज मिल जाए, तो ये सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कर देते हैं एक्स की जगह क्या रखते हैं वन रख दें ऑन बोथ साइड
एक्स की जगह वन रख दो, ठीक है, तो ये जो है आरएचएस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है अपना क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू, एक्स की जगह वन रख देते हैं तो एन माइनस वन इंटू एन टू रेस टू द पावर एन माइनस टू, जो हमने पहले भी फाइंड आउट कर लिया था। एक्स की जगह वन रख दो यहाँ पे, तो ये सीरीज आ जाएगी, वैल्यू रख के देख लो पहले, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाइनो अरिथमेटिक जो है इसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर जो हमारा जो फॉर्मूला है उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।